जमीनी विवाद में फायरिंग, तीन घायल। थाना खंदोली क्षेत्र के मोहल्ला व्यापारियों में प्लॉट को लेकर एक ही परिवार के दो पक्ष बुधवार शाम आमने सामने आ गए। दोनों ओर से मारपीट, पथराव और फायरिंग हुई, जिससे दोनों पक्ष के तीन लोग घायल हो गए। सूचना पर खंदोली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहल्ला व्यापारियों खंदोली निवासी अंसार पुत्र निजामुद्दीन और दूसरे पक्ष के आर्य पुत्र जफर के बीच बुधवार शाम विवाद हो गया। दोनों के घर आमने सामने देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग हाथों में लाठी डंडे और बंदूक लेकर आ गए। मारपीट और पथराव होने लगा। पथराव से क्षेत्र में भगदड़ मच गई। ग्रामीणों ने दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। जब वे शांत नहीं हुए तो खंदोली पुलिस को सूचना दी। मौके पर खंदोली प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। मारपीट में अंसार अली पुत्र निजामुद्दीन, राहुल पुत्र पप्पू और दूसरे पक्ष का आर्य पुत्र जफर घायल हो गए। थाना प्रभारी को अंसार अली ने बताया, घर के पास खाली प्लॉट पड़ा है, उस पर आर्य पक्ष कब्जा कर रहा था। यह प्लॉट हमारे परिवार का है और काफी दिनों से हमारे पास ही है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि प्लॉट की रजिस्ट्री हमने कराई थी। प्लॉट को लेकर दोनों में रंजित चल रही थी। थाना खंदोली प्रभारी ने बताया, दोनों पक्षों की टेरिट मुकदमा दर्ज कर लिया है। 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है। आगरा से जितेंद्र कुशवाहा की ब्यूरो रिपोर्ट।